सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अवर फ्रेश एंड अमेजिंग न्यू पॉडकास्ट इंटरव्यू विद यंग एडवोकेट मिस रीना यादव। वेलकम मैम। थैंक यू। सो आज देखो, यंग आपने मेरे बारे में भी देखा होगा, यंगेस्ट बैंकर आप लोग मेरे को बोलते हो, आप लोगों ने मेरे को बोला है, तो आज मैं यंग एडवोकेट के पास ही आया हूँ। तो आपको यंग लोगों से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, अभी पीछे प्लेयर का भी आपने इंटरव्यू देखा, तो इस इंटरव्यू से आपको बहुत लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे। और जो लोग लॉ परस्यू करना चाहते हैं, एक लॉयर एडवोकेट बनना चाहते हैं, कैसे एंटर करें इस फील्ड के अंदर, क्या क्या चीजें मैंडेटरी होती हैं, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ मतलब नॉलेज आपको इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में मिलने वाली है। तो ध्यान से एक एक स्टेप देखना, और ये नहीं है सिर्फ आपको लॉ के रिलेटेड ही मिलेगा, आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन के पीछे उसकी एक स्ट्रगलिंग जर्नी भी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जर्नी किसी भी एक पर्सन की स्टार्ट होती है उसकी स्टूडेंट लाइफ से। तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? आप आज एक एडवोकेट हैं, सो आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे स्टार्टिंग से, या कैसे स्टूडेंट? नहीं, मैं ब्रिलियंट तो नहीं थी, बट हाँ ये है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं थी पढ़ाई में। शुरू में था कि ठीक है पढ़ाई करनी है, तो ये सोच के कि ठीक है पढ़ाई करनी है, चलो कर लेते हैं, स्कूल का होमवर्क निपटाना है, चलो निपटा लेते हैं। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसी रही मेरी। मेरी गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग रही है, तो जहाँ तक जानकारी होगी आपको, हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें सिर्फ यही होता था कि होमवर्क किया चलो अगला दिन आ गया, होमवर्क किया चलो अगला दिन आ गया, तो ऐसे रहा है। जो मेरी स्कूलिंग थी वो हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाद मैं हॉस्टल में चली गई थी 8th क्लास में, तो वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग की है 12th तक। ओके। और सब्जेक्ट्स मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। ये बात बहुत होती है कि आर्ट्स वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मैं बता दूं आर्ट्स वाले बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके। तो मेरी स्कूलिंग ये रही है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक एडवोकेट सुनते ही हमारे माइंड में एक थोड़ा बॉसी नेचर टाइप आता है कि ही और शी मस्ट बी अ बॉसी ऑफ बॉसी नेचर, तो आप क्या स्कूल टाइम से एक बॉसी, एक लीडरशिप थी आपके अंदर, या आप अभी आके इसमें टर्निंग पॉइंट है आपका? ये इस बात के लिए मैं कहूंगी कि हाँ मैं एक लीडर थी। ओके। शुरू से मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मेरे में वो लीडर देखा है। वो आज भी मुझे कहते हैं तुम में हमने देख लिया था कि तुम वकालत ही कर सकती हो, इसलिए तुम वकालत में हो। ओके। शुरू से रहा कि मैं स्पोर्ट्स में थी, तो वहां पे मैं टीम कैप्टन रही, उसके अलावा NSS में रहा है मेरा इंटरेस्ट, तो उसमें मैंने किया, तो उसमें भी, और क्लास में भी मैं हमेशा अपनी क्लास की मॉनिटर रही हूँ। okay, तो okay, ये लीडरशिप वाली मेरे में क्वालिटी पहले से ही, हाँ, बिल्कुल बचपन okay, से okay, ही okay. है मेरे में। सो मींस लाइक आपने 10th की, 12th की आपने बोला आर्ट्स, सबसे बड़ी बात तो आर्ट्स स्टूडेंट, आप लोग बहुत चिढ़ाते हो आर्ट स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आपको एक लाइव एग्जांपल देखने को मिल सकता है यहाँ पर। सो मैम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन लॉ, या उसको जो परस्यू कर रहे हैं, मतलब कैसे एंटर कैसे किया जाए, क्या लाया जाए माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ मुझे बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर आवर माइंड ना, कि एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो किस तरीके से वो करे आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, क्या चीज? सबसे पहले ना अपने आप से पूछो क्या आपका इंटरेस्ट है कानून में। yes. क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है टीवी पे कुछ न्यूज आई, उसको सुना और उसको सुन के जज कर लिया कि नहीं ये गलत है ये सही है, नहीं उसको मत करो। आप सबसे पहले करो कि जानने की कोशिश करो ये हुआ क्यों। yes. अगर आप रीजन जानना चाहोगे ना, उसके बाद आपके पास बात आती है, आपको लॉजिक मिलता है। जब आप लॉजिक पे काम करते हो ना, तो आप आधे वकील बन जाते हो। okay. क्योंकि वकील लॉजिक पे काम करता है, कानून पे काम करता है। yes. तब जाके वो वकील बनता है। yes. तो शुरुआत करो, अपने आसपास की चीजों को समझो, उन पे लॉजिक देखो। बहुत सारी चीजें बचपन से चली आ रही हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्यों होता है, उससे क्वेश्चन करो ना कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम रात में झाड़ू क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, सॉरी, हम रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाते हैं? कहते हैं कि ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। नहीं, पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, इसलिए रात में झाड़ू नहीं लगाते थे कि अगर कुछ कीमती चीज गिर गई तो वो झाड़ू के साथ बाहर चली जाएगी। yes. वो गुम हो जाएगी। right. ये लॉजिक हमने कभी लगाया ही नहीं इस चीज के पीछे कि ठीक है चला आ रहा है, रात में झाड़ू नहीं लगाते इसलिए नहीं लगा रहे, अब लाइट आ गई है अब लगा सकते हो, कीमती चीज गिरी है उठा सकते हो। तो ये लॉजिक लगाना शुरू करो, आपका लॉजिकल माइंड जब चलेगा ना, तो आप आधे वकील बन जाओगे। ओके। हाँ, और आपका दूसरा सवाल था शायद कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे 12th के बाद कैसे परस्यू करना चाहिए, क्या परस्यू करना चाहिए।
तो ट्वेल्थ के बाद होता है कि आपका 5 year LLB होता है. अब मैं आपको बता दूं, एक 5 year LLB होता है, एक ग्रेजुएशन के बाद 3 year LLB होता है. तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्वेल्थ वाले पे. इसमें क्लैट का एक पेपर आपने सुना होगा कि क्लैट का आप एग्जाम दो और उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस से लिस्ट लगती है और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो. इसमें आपका BA LLB BSc LLB BCom LLB बहुत सारे वो कॉमन वाले सब्जेक्ट्स के साथ और LLB होती है, ये 5 साल की होती है. इसके लिए आपको क्लैट देना पड़ता है, एंट्रेंस होता है उसका, एंट्रेंस की तैयारी करो और फिर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है. सेम होता है 3 ईयर में. कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें एंट्रेंस होता है, कुछ हैं जिसमें नहीं होता है. मैंने DU से किया है तो मैं बता देती हूँ कि DU में एंट्रेंस होता है इसका. और इसका एंट्रेंस काफ़ी टफ, जिसे कहते हैं ना कि उस टाइप का होता है कि टफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें. आपकी कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए, आपका थोड़ा रीजनिंग होनी चाहिए, करंट अफेयर आपका होना चाहिए, वो सब आपको रख के चलना पड़ता है. तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है. तो ये है 3 ईयर वाली LLB के लिए. 3 ईयर वाली LLB. कुछ कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें एंट्रेंस नहीं होता है, उसमें आप नॉर्मली आप एडमिशन जैसे लेते हैं, उनका प्रोसेस जो होता है आप ले सकते हैं वहाँ पे और वहाँ से आप LLB कर सकते हैं. सो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स? ये सजेशन वाला सिचुएशन थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 5 ईयर वाली जो LLB है उसकी फीस 3 ईयर वाले से कुछ ज्यादा होती है. तो कुछ का ये होता है कि भाई फाइनेंशियल उनकी कंडीशन अच्छी होती है तो वो कर लेते हैं, कुछ की नहीं होती है तो वो नहीं कर पाते हैं. सो कुछ ऐसा होता है, डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, चाइल्ड टू चाइल्ड कि वो क्या लेना चाहेगा क्या. सो कुछ ऐसा होता है इसमें 5 ईयर्स में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया कराया जाता है, ज्यादा नॉलेज दिया जाता है, 3 ईयर्स में बहुत शॉर्ट में समझाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं होता है. बस ये है कि आपको 5 ईयर वाली में 2 कोर्सेज एक साथ करने हैं, BA और LLB. तो आपको दो. अब आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो आप BA कर चुके हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको सिर्फ 3 साल की LLB करनी है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम ज्यादा होगा, बस ये है कि 2 कोर्सेज वहाँ पे एक साथ करने होंगे, यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज करने, अलग अलग कोर्सेज करने होंगे. तो आपने कौन सा किया है? मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन की है BA, जो DU से की है, गार्गी कॉलेज, काफी फेमस है, सुन सकते हो आप. और उसके बाद मैंने LLB किया है, वो भी DU से किया है, वो भी 3 साल वाली है मेरी. So, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन सी ऐसी स्टेज थी लाइफ की जो आपको लगा नहीं यार एडवोकेट ही बनना है अब तो? अच्छा, ये स्टेज आई थी मेरी 8th-9th class में जब मैं थी. तो ये जो स्टेज आई थी, ये आई थी 8th-9th class में जब मैं अपना घर छोड़ के और हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी. 8th class में मैं हॉस्टल चली गई थी, तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा था कि चलो अब लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि घर से निकल चुके हो आप, जिम्मेदारियां अब आपकी बढ़ गई हैं, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गांव से कुछ ही लड़कियां निकल पाती हैं पढ़ाई के लिए. तो उसमें मैं थी. तो ऐसी सिचुएशन में जब घर से बाहर निकलते हो, एक जिम्मेदारी आ गई अपने पेरेंट्स के लिए कि आपको नहीं करना पड़ेगा, अब उन्होंने इतनी दूर समाज से लड़के भेजा है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब मेरे को लगा कि चलो मैं कर सकती हूँ. फिर मेरे फादर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एडवोकेट बन सकती हैं, आप में है ये क्वालिटी है. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, चेक करते हैं. तो उन्होंने मुझे 11th class में बुक ला के दे दी थी कि आप एक काम करो, ये थोड़ा है ना लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं आप इनको ट्राई करो. जो एंट्रेंस के लिए नॉर्मल क्वेश्चन आते थे ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो मैंने वो तैयार किए थे. तो ऐसे मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि आप एडवोकेट बन सकती हो, और उस टाइम पे मैंने सोचा इस चीज को. और बाकी एक टीवी सीरियल भी है जिसका अदालत आपने सुना होगा, आता था टीवी पे, उसका भी मेरे पे थोड़ा असर रहा है, KD पाठक का. KD पाठक मोस्ट फेमस, ज्यादा बच्चे यही है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक्चुअल कोर्ट है उसमें और जो टीवी की कोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. ऐसा नहीं होता है कि वकील ही जाके छानबीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. ना ही गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, ऐसा एक्चुअल कोर्ट में नहीं होता है. सो मींस ये होता है, मैंने आपको हमेशा ऑफिसर्स के इंटरव्यूज में बताया, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज डिफरेंट. सो जो आपको दिखाया जाता है कि ऐसे आते हैं कातिल, वकील खुद जाता है वहां, KD पाठक खुद जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसे इधर क्लियर हो गया, बट वो आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है टीवी सीरियल्स में. सो आपने ये चीज बताई कि आपके जो फादर है उनका रोल बहुत बड़ा रहा है इस चीज के अंदर कि आपको ला के देना ये सब चीजें. बट ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स थोपते हैं, ठीक है आपको ये करना है वो करना है,
तो आपको ऐसा फील हुआ जब फर्स्ट टाइम आपके फादर ने बोला आप ऐसा करो ऐसा करो, क्या माइंड में आया कि पापा क्यों दे रहे हैं ऐसा, ऐसा कुछ आया या नहीं मेरे को करना है ठीक है मैं कर लेती हूं? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि मेरे पापा ने मुझ पे थोप दिया है या मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझ पे। आज तक मैंने जितने भी डिसीजन लिए हैं उसमें मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ कि या तो उन्होंने मुझ पे कुछ थोप दिया हो या मैंने उनको बोल दिया कि नहीं आप लोग ऐसे कर रहे हो मेरे को ऐसा नहीं करना। नहीं, मैंने जो भी डिसीजन लिया, अगर मेरा दिल्ली आने का डिसीजन था अपने गांव को छोड़ के, तो उसमें भी मेरे पापा ने कि ठीक है आपको अपनी पढ़ाई करनी है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। okay. आपको वकालत करनी है कीजिए। ये बात बहुत ज्यादा है कि जो लड़कियां एडवोकेट करती है ना उनके लिए स्कोप नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आप वकालत करना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। कोर्ट में कभी भी जज ये नहीं कहेगा कि आप लड़की हैं इसलिए मैं आपको नहीं सुनूंगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आप अपने पे विश्वास रखिए, आप कीजिए, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मैम इसी पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये रहता है, लड़कियां भी डरती हैं इस चीज से, कि क्या लड़कियों का रेशियो आपको लगता है कम है इस फील्ड के अंदर? कम नहीं कहेंगे इसे। okay. पहले की बात अगर हम नहीं करें, आज की अगर हम बात करें, मींस अभी इंक्रीज हो रही है। हाँ, अभी पहले के मुकाबले लड़कियां ज्यादा आ रही हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं लगेगा कि कम है यहाँ पे लड़कियां। यहाँ पे लड़कियां भी उतनी ही हैं और लड़के भी हैं। अभी पीछे काफी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लड़कियों ने रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा किया है, जीती भी है, तो ऐसे वकील आपको बहुत मिल जाएंगे। तो लड़कियां आगे आ रही है। ओके ओके, सो एक लाइक आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि आप लड़कियों को इनवाइट करना चाहोगे कि यस जॉइन दिस प्रोफेशन? हाँ, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, क्योंकि लड़कियों में है ना जब वो पैदा होती हैं उसी टाइम एक हिम्मत आ जाती है, और वकालत करने के लिए हिम्मत, स्ट्रगल और रोज लड़ना पड़ता है। तो अगर आप वकालत करना चाहते हो तो मैं लड़कियों के लिए स्पेशली ये कहूंगी कि आप आओ, लड़ो, जीतो, क्योंकि आप में ये बचपन से है कि आप लड़ सकती है। ओके ओके, सो मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, एडवोकेट्स को लेके बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है एक मिथ और डिसरिस्पेक्ट भी रहती है कि बहुत लड़ते हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, तो क्या ये गलत है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम पीपल एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो कि एडवोकेट इज अ गुड लिसनर ऑल्सो, वो विदाउट सुने तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, आर्ग्यू नहीं करेगा, तो क्या ये मिथ है लोगों के माइंड में इसलिए वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं? वकीलों को लेके है ना समाज में बहुत सारे मिथ है, चलो मैं आज बता ही देती हूँ। समाज को लगता है कि हम झूठ बोलते हैं। यस, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे पास क्लाइंट आता है, वो अपनी कहानी बताता है, हम उसकी कहानी को कानून की भाषा में कोर्ट के सामने रखते हैं। इसमें हमारा रोल सिर्फ ये है कि कानून और उस व्यक्ति के बीच में एक तालमेल बनाते हैं। तो इसमें हमारा झूठ नहीं हुआ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम उस क्लाइंट की सच्चाई को कोर्ट के सामने रख रहे हैं। फिर लगता है लोगों को कि वकील है लड़ाकू है। लड़ाकू नहीं, हम लड़ाकू नहीं है, हम अपना काम, अपनी ईमानदारी अपने क्लाइंट के लिए रखते हैं। अगर हमारा पॉइंट स्ट्रोंग है तो हम अपनी बात रख रहे हैं, आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी बात रख रहे हैं, तो हम लड़ाकू नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि वकीलों की शादियां नहीं होती हैं। yes. ऐसा भी नहीं है, वकीलों से ज्यादा समझदार आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे की परेशानी सुनते हैं, समझते हैं, और वो जब दूसरे की परेशानी समझ सकते हैं तो अपने पार्टनर की तो समझ ही सकते हैं। बट मैम एक डर रहता है कि आजकल लाइक आपकी आईडी पर भी कोई आपको प्रपोजल मैसेज डायरेक्टली नहीं भेज सकता है, उसको डर लगेगा कि यू आर एडवोकेट। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी और मेरे चैटबॉक्स में भी आपको ऐसे बहुत सारे मैसेज मिल जाएंगे, वो डायरेक्टली मुझसे पूछते हैं कि मैम आप शादी कर लीजिए मेरे से। okay, okay. मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। मैं अभी बता दूं, मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। okay, तो okay. आप सबके लिए भी है ये जवाब, तो प्लीज ऐसे मैसेज ना करें, मुझे अभी अपने काम पर फोकस करना है, मुझे कुछ करना है, अभी इस समाज के लिए थोड़ा सा और देना है अपना योगदान, तो अभी मुझे शादी नहीं करनी है। सभी कमेंट्स के लिए एक कॉमन आंसर मिल चुका है कि मैम अभी इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल, और ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटल होना पड़ता है, करियर अपना सेटल करना पड़ता है एंड एवरीथिंग। सो मैम आपने बहुत ये मिथ दूर कर दिए कि लड़ाकू होते हैं एंड ऑल, तो आपको फेस करना पड़ा कभी अपनी सोसाइटी में कि आपको कोई इस नजर से देख रहा है कि यार ये लड़ाकू होगी बहुत ज्यादा या इस टाइप से? ऐसा बहुत बार होता है, कई बार रिश्तेदार रिलेटिव्स जो होते हैं वो ठीक है ये वकील बन गया, अपनी वकालत हमारे सामने मत दिखा। ऐसे डायलॉग बहुत सुनने को मिलते हैं कि अपनी वकालत कोर्ट में जाके दिखाना। सुनो, हमने पढ़ाई की है इसी चीज के लिए कि हम अपनी वकालत को दिखा पाएं।
हम आपसे लड़ नहीं रहे हैं, अगर आप गलत हैं तो हम आपको समझा रहे हैं, उस बात को समझिए, एक लॉजिक के साथ हम आपको वो बात बताते हैं। ऐसे ही नहीं है कि हाँ हम कुछ भी बोलने लगे, नहीं, वकालत की है, कानून को समझा है, तब हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। यस यस। सो मैम, आजकल जो बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी वायरल होते हैं, मतलब कि लाइक एडवोकेट से एक अलग, एडवोकेट को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है कि मतलब उसके पास बहुत पावर है, तो मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है कभी इस चेयर पे बैठ के कि आप पुण्य भगवान है, मतलब ऐसा कभी फीलिंग आई है? ऐसी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है, और ये गलत है। हम भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, वो अब किसी भी धर्म का हो, नाम अलग हो जाते हैं, लेकिन भगवान एक ही है, और हम भगवान नहीं है। हाँ, हमारे पास ये पावर है कि हम कानून को जानते हैं, हमें पता है कानून क्या है, कानून क्या कहता है, कानून कहाँ चलता है, हमें ये पता है, और हम अपनी उस जानकारी पर रखते हैं बिलीव। Yes. ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ये पता है इसलिए मैं भगवान हूँ। नो, हम भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, और पावर है इस प्रोफेशन में, पावर है। Yes. क्योंकि हमें कानून की जानकारी है, कानून पे सारा देश चल रहा है, तो इसलिए पावर है इसमें। सो मेन चीज है, नॉलेज इज पावर। Yes. आपके पास नॉलेज है, किसी भी चीज की नॉलेज है, तो आपके पास, यू आर अ पावरफुल पर्सन। ओके। सो मैम, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि गर्ल्स को भी आपने इन्वाइट किया, अपनी भी चीजें बताई कुछ, तो अगर मैं आपका से जानना चाहूँ आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आप अभी इस पोस्ट पे हो, तो मतलब थोड़ा रिलेट करके बताइए किस टाइप से। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं एक हरियाणा के बहुत ही साधारण से परिवार से हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं, अभी उन्होंने एक बिजनेस भी शुरू किया है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और उसके अलावा वो मेरे पापा का साथ देती हैं। हम फैमिली में चार बहन भाई हैं। ओके, ओके। जिसमें दो हम बहनें हैं और दो मेरे भाई हैं। मेरी बहन सीए कर रही है अभी, वो फाइनल में है, और मेरे दोनों भाई एयरफोर्स में हैं। ओके, ओके। तो ये मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है। उसके अलावा मेरी जॉइंट फैमिली है, दादी, चाचा, चाची, पूरा परिवार है। सब अलग अलग जगह अपने में बिल्कुल काम पे लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं अपना काम। तो ऐसा मेरा परिवार है। अब बात आती है हरियाणा की। जब हरियाणा की बात आती है ना, तो एक बात कहते हैं कि हरियाणा की लड़कियों को घूंघट में रखते हैं। यस, राइट। ऐसा नहीं है, अब जमाना बदल चुका है। हरियाणा की लड़की हरियाणा छोड़ के दिल्ली में बैठी और वकालत कर रही है, तो समय बदल गया है। मैं जब यहाँ आ चुकी हूँ तो और भी आ रही हैं, आएंगी, अब वक्त बदल चुका है। हरियाणा की लड़कियां अब आगे आ रही है। यस। वहां पे जो पढ़ाई का था पहले कि 12th कराई और लड़की की शादी। यस। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब लड़कियां पढ़ रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई एडवोकेट बन रही है, कोई सीए बन रही है, पुलिस में है, एयरफोर्स में है, अलग अलग फील्ड में जा रही है। आप अगर चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, एक मानुषी छिल्लर करके हैं, वो अभी शायद मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड रह चुकी है, वो हरियाणा से है, और वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मेरे ही स्कूल से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, जहाँ पे, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है, स्कूलिंग की है, वहां से वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। ओके, ओके। सो मैम, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है अपनी लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन। लाइक आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, आप जब लॉ परस्यू कर रहे थे, कभी ऐसा लगा कि यार क्यों कर रही हूँ यार ये करते हैं? कभी किसी पुलिस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को देख लिया ये करते हैं, यार बैंकर को देख लिया ये करते हैं, कभी ऐसा कहीं डिस्ट्रैक्शन आया किसी प्रोफेशन को लेके आपके माइंड में, या आपके बहुत स्मूथ था? नहीं, मेरा एक चीज मुझे है ना बहुत पहले क्लियर हो गई, अगर मेरा लो में इंटरेस्ट है तो मुझे वही करना है। मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मेरा लो में इंटरेस्ट है, मैं वही करूंगी। इसके अलावा अगर मुझे इधर उधर, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्लियर नहीं है अभी, मुझे क्या करना है यही क्लियर नहीं है, मेरा ड्रीम क्लियर नहीं है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन होती है सबसे बड़ी बात। तो इसलिए ना, आप पहले अपने आप से सवाल करो, आपको क्या करना है। Yes. आपके मन में है कि आपको नहीं, आपको वकालत करनी है, लेकिन आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं नॉन मेडिकल लो आप। Yes. आपको IIT करना है, नहीं आपको ये करना है, तो आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपको जीवन भर उस प्रोफेशन के साथ रहना है। अगर आप करने को तैयार है तो आपका उससे ध्यान नहीं हटेगा, आपको वही लगेगा कि यही करना है, ये मेरा मेन गोल है, इसी पर मुझे फोकस रहना है, तो ये रहता है। Okay. तो ऐसे डिस्ट्रिक्शन तभी आती हैं जब आप क्लियर नहीं होते हैं। okay, okay. तो पहले बी क्लियर विद योर गोल। यस, सबसे बड़ी। सो अब आ जाते हैं कि आपने क्लियर कर लिया अपना स्टडीज, क्लियर कर ली लॉ की। अब आता है मेन जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है एक लॉ स्टूडेंट का, इंटर्नशिप ढूंढना और ये सब करना, तो इसके बारे में आप थोड़ा शेयर करिए प्लीज। हाँ, ये है, कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, इंटर्नशिप नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ,
आप किसी भी कोर्ट में जाइए, किसी भी एडवोकेट से बात कीजिए, अगर आप जाएंगे उनसे बात करेंगे वो आपको इंटर्नशिप जरूर देंगे, क्योंकि हर एक एडवोकेट इतना कोऑपरेटिव है अभी, कुछ एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाकी नॉर्मल अगर हम बात करें जनरल देखें तो हैं, सारे एडवोकेट्स चाहते हैं कि बच्चे सीखें आगे बढ़ें। आप सीनियर एडवोकेट से अगर बात करेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि ठीक है हम तैयार हैं, आप आइए हमारे पास, हम सिखाते हैं आपको, लेकिन आप में वो होना चाहिए कि आप सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए आप उनका भी टाइम वेस्ट करें आप अपना भी टाइम वेस्ट करें, तो ऐसे बच्चों को एंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, जेन्युइन है, आप इस एडवोकेसी में आगे आना चाहते हैं, तो वो आपको सिखाएंगे, आप किसी भी एडवोकेट के पास चले जाइए। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, हाउ टू अप्रोच एडवोकेट, आपको उनको उनके पास जाके क्या कैसे बात करना होता है या क्या बोलना होता है उनको? नॉर्मली आप कुछ एडवोकेट्स का ये होता है कि वो अपने लाइक ईमेल आईडी दे देते हैं कि आप उन पे बात कर लीजिए, उनका मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, वरना आप किसी चैम्बर में चले जाइए। यहाँ पे जब आप कोर्ट में आते हैं यहाँ इतने सारे चैम्बर हैं, आप या तो रेफरेंस ले लीजिए, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है आप डायरेक्टली अगर ऑनेस्टली आप जाके कहेंगे कि मैं ऐसे एडवोकेट हूँ, मैं अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ और मेरे को इंटर्नशिप करनी है तो मैं क्या करूँ आप मुझे बताइए, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको खुद गाइड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है मेरे लिए, मैं इनके पास सीख सकता हूँ, तो आप वहां पे इंटर्नशिप कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरे को इंटर्नशिप करनी है प्लीज आप मेरे को कंसीडर कर लीजिए। Means, तो कंसीडर कर लेते हैं, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। यस यस। सो मैम जैसे इंटर्नशिप, चलो इंटर्नशिप मिल गई, तो कितना टाइम पीरियड होता है इंटर्नशिप का और एडवोकेट बनने तक का, क्या सफर होता है? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इतना पीरियड होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लेकिन कहते हैं वकालत में जितना ज्यादा आपको कोर्ट का एक्सपीरियंस होता है ना, उतना ज्यादा आपको नॉलेज होती है, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी पकड़ होती है कानून पे। तो इसलिए ना कुछ कॉलेजेस में मैंडेटरी होता है कि आपको एक मंथ की इंटर्नशिप करनी है, किसी में होता है 6 months की करनी होती है, वो टाइम पीरियड भी देते हैं कॉलेज वाले। लेकिन जहां पे ये चीज नहीं है तो आप ट्राई कीजिए, आप एडवोकेट से बात कीजिए। अगर आप दिन में 1-2 घंटे निकाल के आप किसी कोर्ट में, ठीक है कोई एडवोकेट नहीं है, आप कोर्ट में चले जाइए, आप बैठिए वहां पे, देखिए कि कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है, कोर्ट में क्या चल रहा है, आप वो देखिए, तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है, आप किसी से बात कीजिए। अगर आप किसी से बात करेंगे ना, कोई आपको मना नहीं करेगा, वो आपको बताएंगे कि अच्छा ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि किसी के पास टाइम है किसी के पास टाइम नहीं है, तो उसके हिसाब से उनके जवाब हो सकते हैं कि मैं अभी नहीं बता सकता, आप दूसरे से पूछ लीजिए। तो उनके भी टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके ओके। सो मींस जैसे मैम एडवोकेट का टैग कब मिलता है हमें? एडवोकेट का टैग मैं बता देती हूँ, आपने जब LLB कर लिया उसके बाद आपको है ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपना BCD में, इसको BCI बोलते हैं शायद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उससे आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, उस इनरोलमेंट नंबर के बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं। आप अगर इनरोल्ड हो जाते हैं तब आप एडवोकेट बन जाते हैं। ओके ओके। सो मैम जैसे आप अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं। जी मैम। यस। सो मींस अगर जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट लॉयर बनना चाहे, एडवोकेट बनना चाहे, सो मतलब क्या रहता है, डिफरेंस क्या रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एंड इन लॉयर्स में, मतलब या प्रमोशन कहते हैं इसको या क्या कहते हैं? जैसे आप अभी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर कैसे बनेंगे, वो प्रमोशन कहलाएगा आपका या कोई एग्जाम होता है, क्या होता है वो? सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनने के लिए ना एक ये होता है कि वहाँ पे है ना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आना पड़ता है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके लिए आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस, कुछ आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए, तो उस सबसे होता है वो। तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है, AOR के पास प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये सारी उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। हाँ, अपीयरेंस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपीयरेंस किया है अभी कहीं पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरी अपीयरेंस है, हाई कोर्ट में भी मेरी कुछ अपीयरेंस है। सो अपीयरेंस पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नर्वसनेस हुई है, डर लगा? हाँ, नर्वसनेस होती है, डर नहीं कहेंगे, नर्वसनेस होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहा है वो मेरे सीनियर्स का रहा है, वो हमेशा ना मेरा सपोर्ट बन के मेरे पीछे रहे हैं कि ठीक है रीना आप लीड कीजिए, हम आपके साथ हैं, जो भी होगा हम देखेंगे, आप लीड करो। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और जब ये ऐसा सपोर्ट मिलता है ना पीछे, तो फिर आपको जो नर्वसनेस वाला सिस्टम है ना वो खत्म हो जाता है आपके अंदर। तो शुरू में होता है कि हाँ ठीक है नर्वसनेस है, और जज भी इतने अच्छे हैं आज के टाइम पे कि वो कॉपरेट करते हैं, जब उनको दिखता है कि यंग एडवोकेट है
तो वो हेल्प करते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, वो आपको सुनते हैं, तो ऐसा होता है कि आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है इस चीज से। सो मैम एक मैं आपसे वो फीलिंग पूछना चाहूंगा, जब आप लीड करते हैं अंदर जो भी है, आप आर्ग्यू करते हैं, क्या फीलिंग रहती है उस टाइम? मतलब धक धक भी हो रही होती है, और ये मतलब क्या क्वेश्चन मैं पूछूं, ऐसा भी होता है कभी? और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड मेस्ड हो गया हो, यार मैं क्या क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ आपके साथ फेस किया आपने? हाँ ऐसा होता है। एक तो मैं आपको बता दूं, लाइक आपको जानकारी नहीं है, हमारी ना अलग अलग स्टेजेस होती है केस की, तो उसमें ना क्वेश्चन हमें एक स्टेज पे करने होते हैं, दूसरी स्टेज पे हमको आर्ग्यूमेंट करना होता है, तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। जब हमें क्वेश्चन करना होता है ना, तो हम प्रिपेयर करके जाते हैं कि ठीक है हमें ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं पूछना है, ये पूछना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो हम वो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा है कि सामने वाला ये जवाब देगा और इसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन कई बार वो जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हो जाता है कभी कभी कि हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत ज्यादा वकालत में बहुत चलता है, और खासकर क्रिमिनल लोगों की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये होता है। अब आर्ग्यूमेंट की जब बात आती है, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, कुछ होते हैं कि ठीक है सारी बातें घुमा फिरा के पूरी कहानी की तरह पूरा बताएंगे, तो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो मैं दोनों हो जाती हूँ कभी कभी, कभी मैं घुमा देती हूँ बातों को, कभी मैं पॉइंट टू पॉइंट कर देती हूँ, अपने अकॉर्डिंग चलता है वो। तो देखो यहाँ पे स्टेजेस के बारे में भी जानने को मिला, जैसे हम लोग सीरियल्स टीवी में देखते हैं कि डायरेक्टली जज के आगे पेश हो गए और बिल्कुल धड़ाधड़ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। एक और मैं बता दूं, फाइलिंग से लेके फाइनल आर्ग्यूमेंट जजमेंट तक बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जो ऐसी स्टेजेस हैं जो कुछ टीवी सीरियल्स में दिखाई गई हैं, कुछ में नहीं दिखाई गई हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ये पहले दिन गए और आपका फैसला हो गया, बिल्कुल नहीं। किसी केस में साल लग जाते हैं, किसी में महीने लग जाते हैं, अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग स्टेज होती हैं। आप केस फाइल करते हैं, उसके बाद अलग स्टेज है, उसके बाद अलग है, उसके बाद अलग है, और फिर कहीं जाके एक फैसला आता है, एक जजमेंट आती है। ओके सो मैम अभी आप एडवोकेट हैं, बट अभी भी आपको थोड़ी बहुत मतलब नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती है, बीच में कोई केस आ गया कि मैं इस पे कौन सा रूल लगा सकती हूँ या कौन सा लॉ फिट बैठ सकता है, तो आप हेल्प लेती हैं बुक्स की अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल। वकीलों के लिए एक बात कहते हैं कि वकील पढ़ना कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितने ही सीनियर हो जाए, कितने ही जूनियर हो, कितने ही सीनियर हो, वो हमेशा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि कानून में चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, उसको जान। और फिर एक चीज आज नहीं आई है, अब मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मुझे उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, कुछ नया पॉइंट आया उसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। तो हम हर रोज सीखते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, कभी नई जजमेंट आ गई है, कभी कुछ आ गया है, कभी कुछ, तो हम हर रोज पढ़ते रहते हैं। ओके ओके। सो मैम कभी जैसे आपने इंटर्नशिप की होगी पहले, और इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारी फाइल्स पढ़नी भी पड़ती हैं, बहुत सारे केसेस के गो थ्रू करना पड़ता है, तो कभी ऐसा कोई केस देख के लगा है आपको, अरे ये भी होता है, मतलब ऐसे भी फीलिंग्स आई हैं कभी, अरे यार ये ऐसे केस आ जाते हैं यार? हाँ ऐसा बहुत सारा होता है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, फैमिली के जो मैटर्स होते हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट जिन्हें कहते हैं नॉर्मली, तो उनमें ऐसे सिचुएशन आती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, सास भी ऐसा कर सकती है, बहू भी ऐसा कर सकती है, ससुर ऐसा कर सकता है, तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि कई बार हमें सोचना पड़ जाता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, समाज ऐसा भी है, क्या ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन बार बार आती है, बहुत बार आती है। ओके ओके। सो एक मिथ के बारे में और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्या मतलब लॉयर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, रातें बितानी पड़ती है, ऐसा कुछ है? अब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कैसी है, आप पढ़ते कैसे हैं। कुछ लोग होते हैं जो सारा दिन ऐसे किताब लेके बैठे रहेंगे लेकिन वो पढ़ते नहीं है उसको। कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आपका कितना फोकस है उस चीज पे, तो उस चीज पे है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा अपने कॉलेज टाइम में, लेकिन अब मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि हर रोज पढ़ना पड़ता है अपने केस के लिए, हर रोज तैयारी करनी पड़ती है। ओके एंड वन मोर थिंग कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो मतलब आप अपने माइंड को कैसे वो प्रिपेयर रखती हैं कि किस टाइप से, हाउ टू बी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रखा जाए, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता इस चीज को। नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए ऐसा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सुनना पड़ता है सबसे पहले। गुड लिसनर कहते हैं ना कि वकील किसी की सुनते नहीं है, वकील सबसे ज्यादा सुनते हैं, पहले वो क्लाइंट की सुनते हैं, उसके बाद जज की सुनते हैं, और फिर घर जाके परिवार वालों की सुनते हैं, रिश्तेदारों की सुनते हैं।
तो वकील गुड लिसनर होते हैं. जब आप सुनते हो ना तो आपके मन में सवाल आते हैं, जब आप सवाल आते हैं तो आप सवालों का, तो इससे ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होता है, बढ़ता है. तो इस चीज को ज्यादा, और इस चीज को आप कैसे टैकल करते हो कि आपके पास कभी कोई क्रिमिनल केस आ गया, कोई सिविल केस आ गया नॉर्मल, फिर कोई किसी का आपसी झगड़ा मतलब जो होते हैं नॉर्मली, तो मतलब कभी कभी आपको लगता होगा ना, अबे यार कैसा केस है यार ये, मतलब अपने माइंड को फ्रेश कैसे करते हो फिर आप? कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है कि ऐसा भी कर दिया यार लोगों ने, तो मूड फ्रेश कैसे करते हो? क्या गाने सुनते हो, बुक्स पढ़ते हो, क्या मतलब क्या घूमने निकल जाते हो? इसके लिए ना सिचुएशन होती है कि अगर मैं कोर्ट में हूँ तो मेरा मूड खराब हो गया किसी बात पे, या जज ने डांट दिया तो उस टाइम पे फिर ये होता है कि आप किसी से बात कर लो. जब आप अपने मन की बात किसी से करते हो ना तो आपका मन हल्का हो जाता है. किताबें पढ़ लो, गाने सुन लो, वो ये सारी की सारी हैं कि आपको जो अच्छा लगे. ऐसा नहीं है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, हाँ तो मैं किताबें पढ़ लेती हूँ, या मैं किसी अपने मन पसंद इंसान से बात कर लेती हूँ, उनको मैं बता देती हूँ कि ये हुआ, तो वो मेरी जो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो बातों में निकल जाती है और फिर मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है. उसके बाद फिर चलो नेक्स्ट टास्क करते हैं, जो हो गया वो हो गया, अब अगले पे ध्यान देते हैं. तो वो वाली सिचुएशन होती है. और एक और बात है कि क्लाइंट हमारे पास आता है अपनी टेंशन लेके, वो अपनी टेंशन लाता है, अपनी फाइल लाता है, वो अपनी फाइल और टेंशन हमें देके चला जाता है. तो हमें टैकल करना है. अब वो जो फाइल है वो हम कोर्ट में पहुंचा देते हैं, टेंशन हम अपने पास रख लेते हैं, तो हमें बहुत चिल रखना पड़ता है इस मूड को. इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो. ऐसे जरूरी नहीं है कि वकालत कर रहे हो तो वकालत ही करते रहो, साथ में एक्स्ट्रा करते रहो, स्पोर्ट्स खेल लो, बुक्स पढ़ लो, गाने सुन लो, मूवी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है देखो सब. हाँ, एक और सबसे बेस्ट क्वेश्चन कि एज यू आर अ यंग एडवोकेट, तो आपने तालमेल वो बिठा लिया है प्रोफेशनल लाइफ और घर की लाइफ में, या आप कभी कभी केस की टेंशन घर भी ले जाते हो, कभी मम्मी के ऊपर भड़क गए, भाई बहन के ऊपर भड़क गए, टेंशन यहाँ की टेंशन ले गए, हाँ, या वो तालमेल बैठ चुका है? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी भी हो जाता है ऐसा कि मैं अपनी यहाँ की टेंशन वहां ले जाती हूँ. लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स इतने सपोर्टिव हैं, वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि वो उनको पता है कि ठीक है आज ये भड़की हुई है तो चलो इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, इससे बात कर लेते हैं, तो वो नॉर्मल करने का ट्राई करते हैं. तो इसमें ना फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ. फिर मैं उनको किस्सा बताने लग जाती हूँ कि ठीक है ये हो गया, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, इसलिए मैं भड़की हुई. तो फिर कहते हैं ठीक है कोई नहीं, आज नहीं था तुम्हारा दिन, कल तुम्हारा होगा, नहीं शुरुआत करो, भूलो इस बात को. तो ऐसा होता है कि मैं कई बार घर वालों पे झुंझला जाती हूँ, डांट देती हूँ, धमका देती हूँ, तो ऐसा होता है आज भी. और एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर है, सो अभी नेम मेरे उनका माइंड में नहीं आ रहा, बट उन्होंने एक चीज कही थी कि एक लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक लॉयर डेली सीखता है जी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही है उन्होंने, और शायद ये राम जेठ मलानी जी हैं जिन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोग हर रोज सीखते हैं. क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी है तो अब उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए वो कितनी फायदेमंद है हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, हमारे किस केस पे वो अप्लाई करती है हमें उसके लिए देखना पड़ेगा, इसलिए हम हर रोज पढ़ते हैं. अब एक दिन में 10 जजमेंट आ गई, 20 आ गई, उसमें से 5 हमारे फायदे की हैं, तो 5 तो पढ़नी पड़ेंगी ना. तो 10 पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा 5 हमारे काम की हैं, तो इसलिए हम हर रोज पढ़ते हैं. ओके एंड मैम, आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो? आप सोशल मीडिया होली को, या मतलब कैसे अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो? सोशल मीडिया, बुक्स, न्यूज़, किस टाइप्स? मैं, या आपका कोई ऐसा पर्सन है जो आपको शेयर करता है सारी चीजें? मैं लोगों के लिए, मैं कुछ हमारे वो हैं एप्स वगैरह हैं, जैसे लाइव लो हो गया, बार एंड बेंच हो गया, उस पे जजमेंट्स आती रहती है, न्यूज आती रहती है, लोगों के लिए मैं उनको रेफर करती हूँ. उसके अलावा कभी कभी सोशल मीडिया देख लिया कि ठीक है इस पे भी ये ट्रेंड में चल रहा है तो चलो देखते हैं क्या है ये, फिर उसको थोड़ा सर्च कर लिया, उसके बारे में जानकारी ले ली. फिर उसके अलावा मेरे है ना ऑफिस में एक चीज बहुत अच्छी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो डिस्कस करती है इन चीजों को कि अगर एक टॉपिक आ गया है तो हम अपने सारे पॉइंट्स को एक साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, और जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें नए पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास शायद एक पॉइंट है, उनके पास दो है, उनके पास तीन है, तो ऐसे अलग अलग के पास अलग अलग पॉइंट है, और इससे हमें सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है. तो मेरी टीम में ये जो टीम डिस्कशन वाला है ये बहुत ज्यादा है, बहुत तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मींस ग्रुप डिस्कशन, जैसे हमें ग्रुप स्टडीज बोलते हैं हम स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो सेम लाइक दैट हियर इन प्रोफेशन, कि ग्रुप डिस्कशन एक एडवोकेट के प्रोफेशन में ग्रुप डिस्कशन मैम की लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. तो इससे आपको ये पॉइंट भी सीखने को मिला कि हाँ, अगर आप ग्रुप स्टडीज भी करते हो और लाइक आप एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो आप ग्रुप स्टडी करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं,
तो आपका एक आंसर, एक क्वेश्चन का एक आंसर बहुत इजीली तैयार हो जाता है। तो आप लाइक अच्छा मैम एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि अगर हम लॉ परस्यू करते हैं तो मतलब कोई ऐसी चीज आप सजेस्ट करना चाहो एक स्टूडेंट को, कोई बुक हो या ऐसे किस टाइप से कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में, लाइक हम जैसे हम ट्वेल्थ की स्टडी करते हैं मेडिकल करते हैं तो हम एक्स्ट्रा बुक्स कुछ खरीदते हैं ना सपोर्टिव मटेरियल, तो ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? अच्छा, जो ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे होते हैं उसके लिए है ना यूनिवर्सल की एक बुक आती है, तो आप वो ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी नॉर्मली शॉप्स पे मिल जाएगी, उसको क्लैट एंट्रेंस के नाम से आपको मिल जाती है वो। और जो बच्चे डीयू के लिए तैयारी कर रहे हैं या थ्री ईयर के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए ना बुक्स आपको अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सल की हैं, जिसमें एंट्रेंस के लिए जो स्पेसिफिकली बनी है आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो, उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन। इसके अलावा आप है ना पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है जिस भी आप एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहे हो, सिर्फ लो की बात नहीं कर रही हूँ, जिस भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं पास्ट ईयर 10 साल के पेपर उठाओ आप और उनकी तैयारी करो। आपने जब 10 साल के वो पेपर उठाए तो आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें, क्या आपसे पूछा जाता है, जब आप वो सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, आपको तैयारी किस वे में करनी है, फिर आपका वो पाथ है ना वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फिर उस पे चलना थोड़ा इजी होगा। तो आपने कोचिंग लिए कहीं? मैंने कोचिंग नहीं ली है कहीं भी। Means, अगर मैं विदाउट कोचिंग आप एडवोकेट हो? हाँ, बिना कोचिंग के मैं एडवोकेट हूँ। ओके ओके। मैंने शुरू में ट्राई किया था तो एक शायद 15 डेज का क्लैश कोर्स होता है। ओके ओके। ये एबीवीपी जो है डीयू का पार्टी है शायद स्टूडेंट्स की, वो दिलवाती थी उस टाइम पे मेरे टाइम पे, तो मैंने 15 दिन का वो कोर्स किया था और उससे फिर मेरी तैयारी हुई थी, और वो बहुत अच्छा मटेरियल देते हैं और काफी एंट्रेंस की वो तैयारी करवाते हैं, तो मैंने वहां से तैयारी की थी। ओके ओके ओके। सो मींस आपका ज्यादा रोल किसका रहा, आपने यूट्यूब से पढ़ा, बुक से पढ़ा, किस चीज से पढ़ा आपने, क्या चीजें की या पेपर सॉल्व किए? मैंने यूट्यूब से तैयारी की है। ओके। और उसके अलावा जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो, और जो नॉर्मल बुक्स अवेलेबल होती है उन सबसे। हाँ। सो मींस कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम करने की जरूरत नहीं है, मींस जो अवेलेबल है मटेरियल उससे इजीली कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट है लो करने में, okay, okay. अगर आप अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बिना कोचिंग के आप कर सकते हैं, आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब पे है ना आप इस टाइम पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, तो आप उनकी रेफरेंस ले सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है yes. तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। एंड सबसे एक और मेन चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लाइक अब कोई पर्सन तैयारी कर रहा है तो आपको क्या लगता है आपके साथ के भी और भी बच्चे होंगे, आपके कलीग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जो लॉ कर रहे होंगे, गिव अप करने का मेन रीजन क्या होता है लॉ के अंदर बच्चों का, क्या वो स्ट्रगल से पीछे हटना चाह रहे होते हैं या मतलब फेलियर्स के मारे, क्या होता है वो गिव अप का एक कोई रीजन? ना कुछ रीजंस हैं, जैसे इसमें ना स्ट्रगल हर रोज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ बैठे बैठे आपको क्लाइंट मिल गए, आपको काम मिल गया, सीखने को मिल गया, आपको ना हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, रोज कोर्ट आना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है आज क्लाइंट नहीं मिला कल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तो इस चीज से कुछ होते हैं कि कुछ मोटिवेट हो जाते हैं कि ठीक है मेरे को स्ट्रगल करना है, मेरे को लड़ना है, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, तो ऐसा होता है, तो कुछ उसमें गिव अप कर जाते हैं कि ठीक है आज नहीं हो रहा। फिर कुछ की फैमिली कंडीशंस भी बहुत मायने रखती हैं कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है कि ठीक है आज आपके पास क्लाइंट नहीं है, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ये वाली सिचुएशन हो जाती है, लेकिन कुछ में होता है कि उन्हीं को करना पड़ता है फैमिली के लिए, तो वो कि फिर उनके लिए होता है कि भाई ये वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इसमें हमें टाइम एनर्जी देना पड़ेगा, यस ये मेन इशू होता है। ओके ओके। एंड जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है चीज वो है मनी। सो ऐसा जो आपने लॉयर का नेम बोला था, उन्होंने वो एक फाइल रीड करने के भी चार्ज करते हैं बहुत ज्यादा, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ऐसे लॉयर्स हैं। सो क्या मैंने बाहर सुना भी ऐसा, क्या इस चीज सही है कि means advocacy is a top paying profession? Top paying नहीं कहेंगे, लेकिन बाहर एक myth है कि हम client को लूटते हैं। मैं इस myth को दूर करना चाहूंगी कि हम client को नहीं लूटते हैं, हम अपनी मेहनत की, क्योंकि एक फाइल तैयार करने के लिए हमें पहले आपकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, उस पर ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद उसको फाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद वो कोर्ट में जाएगी,
हम अपनी मेहनत की, जो हमारी जेन्युइन मेहनत है, हम उसके लिए चार्जेस लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मेरा एक्सपीरियंस कम है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो उसके हिसाब से फीस हो जाती है कि आपको इतना टाइम देना पड़ता है, मेरे को उतना टाइम देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से वो होता है। हम क्लाइंट्स को लूटते नहीं है। ओके ओके, ये आपका एक मिथ है दुनिया में, बहुत बड़ा मिथ है ये, आपका दूर हो गया सबका वैसे मिथ। सो आपने अर्निंग के बारे में बता दिया मैम, कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी आप चीज यूथ के लिए आज के लिए बताना चाहो, कोई भी ऐसी टिप देना चाहो अपनी तरफ से, कोई एक टिप ऐसी जो आज के यूथ को आप देना चाहो अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप है ना सीखना बंद ना करें, सीखते रहें। ठीक है, आप लो नहीं सीख पा रहे हैं, आप कुछ और सीख लीजिए, आप कुछ और कर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो कीजिए। और उसके साथ साथ कोई दूसरा पॉइंट, ठीक है मेरा लो में एडमिशन हो चुका है, मैं वकालत कर रही हूँ, मैं एडवोकेट बन चुकी हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट और भी है, मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी रही हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स खेल लेती हूँ। जब ऐसा लगता है ना कि जीवन में कुछ नहीं बचा, तो जाके अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल लो, आप आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिव वाइब आएगी उससे। तो आप है ना गिव अप ना करें, आप जो कर रहे हैं उसके लिए करते रहें, लड़ते रहें, रोज करें, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो एट लास्ट जो एक क्वेश्चन है कि आपको लगता है अपनी सोसाइटी में देखकर कि अभी भी लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है लॉ को लेकर? हाँ, मैं इसके लिए कहूंगी कि लोग है ना कानून को जानते नहीं है, जो मिथ चले आ रहे हैं उसी को मान लेते हैं कि वकील है ये पैसा ऐठेगा ये लड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ थे कुछ होंगे, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकती कि सारे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। yes. आप उन अच्छों से मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, कुछ मिसरिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को तो उनसे बचिए। बाकी कानून है ना हर रोज चेंज होता रहता है, हर रोज बढ़ता रहता है, कहते हैं कि कानून कभी खत्म नहीं होता, कानून की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, लाइफ टाइम आपकी कानून की पढ़ाई चलेगी, आप रोज एक नई चीज सीखेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे आज कुछ नई चीज पता है जो आपको नहीं पता। yes. और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चीज नहीं पता, मुझे वो चीज पता, आपको पता है मुझे नहीं पता, ऐसा हो सकता है। तो बात कीजिए, जानकारी लीजिए, नई चीजों की जानने की कोशिश कीजिए। yes, yes. सीखते रहें, सबसे yes. बड़ी बात। तो ये चीज अभी आप, ऐसा नहीं है कि ऑन कैमरा ही बात हो रही है, अभी यहाँ बैठने से पहले भी मैंने मैम को यही बोला कि आज मेरे को लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को आज आपसे सीखने को मिलेगा। वहीं पे मैम ने रिप्लाई इस चीज का ये किया, मुझे आपसे बहुत चीजें सीखने। तो आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। सो एक चीज और मैम मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे एडवोकेट्स के कैबिन्स में ये इतनी सारी बुक्स पड़ी रहती हैं, क्या किस चीज की बुक्स होती हैं, चमकती हुई गोल्ड गोल्ड सी बुक्स, क्या होता है ये? अच्छा, इसमें बहुत सारे चैम्बर्स में बुक्स होती हैं जिसमें कुछ होती हैं कि प्रॉपर बुक है, कि आपको एक बेरेक्ट होता है हमारा, उस बेरेक्ट में आपका एक्ट लिखा है, यस, कानून क्या कहता है। अब चार लाइनों में आपने कानून बता दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी तो कहीं होगा। yes. तो उससे रिगार्डिंग कमेंट्रीज होती हैं, बुक्स होती हैं, जजमेंट्स होती हैं, तो ऐसे बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हमको रेफर करनी पड़ती हैं अपने केसेस के लिए, कि आज कोई नया पॉइंट आया है उसके लिए मुझे जानकारी नहीं है, तो मुझे उस बुक की रेफरेंस लेनी पड़ती है, इसलिए हम बुक्स पढ़ते हैं, इसलिए हमारे चैम्बर्स में बुक्स आपको देखने को। ओके ओके, आपने बीच में कुछ ऐप्स की बात की थी, तो वो ऐप्स आप एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे, जो क्या है, नॉर्मल एक पर्सन अपने लॉ की नॉलेज बढ़ा सकता है? हाँ, बिल्कुल, इसमें लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, और एडवोकेट्स के लिए एक ऐप आया है, सेंचुरी लॉ फर्म का कैलकुलेटर है, जिसमें आप कोर्ट फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, ये मेरी फर्म ने, जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ, उसने खुद डेवलप किया है। ओके ओके, और इसमें ना आप कोर्ट फीस कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लाइक हमें है ना कोर्ट में जब हम सिविल सूट डालते हैं तो हमें कोर्ट फीस देनी पड़ती है। okay, okay, okay. तो वो आपकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जाती है। okay. जो सूट की वैल्यू yes. है उसके अकॉर्डिंग जाती है, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, हर कोर्ट की एक अलग होती है। yes. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यू उसमें डालनी पड़ती है, और फिर okay. वो आपकी कैलकुलेट होके अपने आप आ जाती है। okay, okay, तो okay. अगर मुझे कोई सिविल सूट फाइल करना है, उसके लिए जो अगर मुझे कोर्ट फीस पता करनी होगी, तो आप उस ऐप पे पता कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें और भी काफी सारे yes. है फीचर्स, आप देख सकते हैं उसको, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। लाइव लो है, इसके अलावा आप उसको देख सकते हैं, उस पर बहुत सारी जजमेंट्स और अपडेट्स आती रहती हैं। बार एंड बेंच है, उस पर आप देख सकते हैं, बाकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की साइट्स yes. हैं, उन पे आप जजमेंट देख सकते right. हैं। सो चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपसे, कि आपको एक पुरानी रीना यादव और एक न्यू एडवोकेट रीना यादव में क्या डिफरेंस दिखता है, इन डिसिप्लिन, इन नेचर या इन लाइफ, क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं?
बिल्कुल, पहले मैं जिम्मेदार नहीं थी अपने एक्शंस को लेके, लेकिन अब मेरे पे जिम्मेदारी आ गई है, समाज के लिए भी, अपने लिए भी, कोर्ट के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि एडवोकेसी है ना एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जिसे कहते हैं। हमें बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पे बैठना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, इसलिए ना हमारे कंधों पे एक और जिम्मेदारी आ गई है समाज के लिए, कोर्ट के लिए। तो अब मैं अपने आप को ज्यादा जिम्मेदार महसूस करती हूँ, रिस्पॉन्सिबल। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं अपने एक्शंस के लिए। अगर मैं बाहर पहले वाली रीना होती तो शायद मैं उस काम को कर लेती, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब मैं सोचती हूँ। जब बाहर कुछ होता है तो नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, हो गया ये, हमारे में उस टाइम पे फिर वो आईपीसी के सेक्शन चलने लगते हैं। अच्छा ये हो गया, ठीक है आपके लिए हत्या हो गई, अब हत्या में ठीक है आपके लिए, ठीक है मर्डर हो गया, अब हमें नहीं मर्डर हो गया, कल्पेबल होमोसाइड तो नहीं है, ये कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो हमारे लिए वो आईसीसी चलने लग जाती है। तो वो चेंज आ गया है मेरी लाइफ में, पहले मैं भी ऐसी ही थी आप लोगों की तरह, ठीक है हो गया चलता है, जो नॉर्मल लोगों के लिए हुआ है। अब लेकिन वही है कि कुछ होता है तो मैं सोचने लग जाती हूँ उस चीज़ को। ओके सो मैम, एट लास्ट हमारे चैनल के लिए अगर दो लाइन आप कुछ बोलना चाहो। जी मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा जानकारी ये लेके आए थे मेरे लिए भी। मुझे जानने को मिला कि इन्होंने पहले भी काफी इंटरव्यूज किए हैं, किसी प्लेयर का आप बता रहे थे अभी, उससे पहले शायद आपने किसी पुलिस पर्सन का, ऑफिसर का, हाँ भी इंटरव्यू किया है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहें, आपको नई जानकारी मिलेगी, अलग फील्ड की जानकारी मिलेगी, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपको घर बैठे जानकारी मिल रही है। यस, तो आप देखिए और इनके साथ जुड़े रहे हमेशा के लिए। ओके सो बहुत सारी चीजें आपको आज मैम से जानने को मिली, सबसे बड़ी बात है यंग एडवोकेट से, क्योंकि एक जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो अपना चीजें शेयर करते हैं, बट मैम अभी अभी एनरोल हुई हैं इस चीज के अंदर, तो इन्होंने आपको एकदम फ्रेश नॉलेज ला के दिया कि अभी क्या चल रहा है रिसेंटली। ओके सो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको बहुत सारे लाइफ लेसन भी मिले, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। गर्ल्स को बहुत बड़ा इन्विटेशन है कि आप लोग इस फील्ड में आ सकते हो, आइए आप, बहुत अच्छी फील्ड है। एक मेन होता है मैम, गर्ल्स के अंदर का डर भी खत्म हो जाता है ऐसी फील्ड्स में आके, लाइक पुलिस एडवोकेसी में आके, तो ये बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, लड़कियों में डर बचपन से खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें बचपन से स्ट्रगल देखना पड़ता है। आप लोगों की लाइफ और एक लड़की की लाइफ दोनों में, एक लड़का और लड़की की लाइफ में, क्योंकि कहते हैं कि दोनों बराबर हैं, आप बराबर हो ही नहीं सकते, भगवान ने आपको बराबर भेजा ही नहीं है, तो आप कह ही नहीं सकते कि आप बराबर हैं। हमारी लाइफ में एक अलग स्ट्रगल है, आपकी लाइफ का, मैं ये नहीं कह रही आप कम है, नहीं, लेकिन हमारी लाइफ का स्ट्रगल है, हम बचपन से लड़ना जानते हैं, हम बचपन से डरते नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम चुप रहते हैं, चुप रहते हैं। यस, हाँ, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट में चुप रहते हैं, डर के चुप नहीं रहते हैं, ये बात भी है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज मैं हमने बता दी, आज क्लियर कर दी कि रिस्पेक्ट में जो एक गर्ल रहती है वो एक साइलेंट मोड पे रहती है, नहीं तो वो डरती नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट ये है कि चलो ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें नॉलेज मिली, तो आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ चीजें होंगी, तो आप लोग मैम का इंस्टाग्राम भी मैं डाल दूंगा, आप उधर भी जाके मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे डाल सकते हैं। मैम को भी टाइम मिलेगा तो हम मैम से कांटेक्ट करके भी उनके आंसर्स निकलवा लेंगे, कमेंट्स में ही आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी आप रेगुलरली ऐसी गाइडेंस लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसी और न्यू प्रोफेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको ये कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, और आप देख सकते हो यंग ब्यूटीफुल एडवोकेट हमारे साथ बैठी है, और क्या ही कह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा टाइम दिया अपना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो मैम ने ऑल द बेस्ट बोल दिया, तो इससे बड़ी और चीज क्या ही हो सकती है, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं ऐसी न्यू इंटरव्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो और सिलेक्ट होते रहो। थैंक यू मैम।